विरोधी पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझदारी है, हिंदू के नाम पर तुम फायदा ले लो और प्रतिक्रिया में मुसलमानों के वोट हम लेकर हम मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात सीएए लागू करने के लिए जो रूल बनाने थे वो बनाकर उन्होंने उस कानून को चुनाव के पहले लागू करने का ऐलान किया। क्या वास्तव में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आने वाले जो लोग हैं, क्या वास्तव में उनके लिए ये कानून बनाया? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उसके कई महत्वपूर्ण कारण है और उन महत्वपूर्ण कारणों को जानने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जानकारी खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा या ऐसे तमाम लोगों के अंदर जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है वर्ण व्यवस्था में, जो ब्राह्मण है चार वर्ण की व्यवस्था में और जो ब्राह्मण नहीं है, उन सभी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हिंदू मुस्लिम का मामला कैसे खड़ा होगा? ये हमेशा जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके सामने समस्या रही है। इसको समझने के लिए कुछ बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाने के लिए प्रचारक के तौर पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसे आज के तारीख में हिंदू के नाम पर प्रचार में लाया जा रहा है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था वाला धर्म, जाति व्यवस्था वाला धर्म, अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म और महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म, पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपने वाला धर्म, क्रिमिनल ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित करने वाला धर्म, ये जो धर्म है ये वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। इसके नाम पर प्रचार नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्राह्मणों ने हिंदू की ढाल बनाकर इसके अंदर छुपाकर हिंदू शब्द के पीछे छुपाकर ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया हुआ है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है, खासतौर पर उन लोगों को समझ में नहीं आती है जो मुसलमानों के विरोध में अंधे होते हैं या माइनॉरिटी जो तमाम प्रकार की है उसके विरोध में अंधे होते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम करते हैं। और प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए मुसलमानों के विरोध में कोई न कोई बयान, कोई न कोई एक्शन, कोई न कोई कानून, कोई न कोई फैसला वो करते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे एससी एसटी ओबीसी वैश्य और क्षत्रिय वर्ण के लोगों के अंदर मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया होती है
और जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया होती है उतना ज्यादा वो लोग मुसलमानों के विरोध में हो जाते हैं, और जितना ज्यादा मुसलमानों के विरोध में होते हैं उतना ज्यादा कट्टर हिंदू होते हैं, और जितना ज्यादा कट्टर हिंदू होते हैं उतना ज्यादा ब्राह्मणों को उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसके लिए इस तरह का वो काम करते रहते हैं। सीएए का कानून भी इसीलिए किया गया है, मुसलमानों को इसीलिए डिलीट किया गया ताकि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जा सके, ये बात है। दूसरी बात, इस बात का प्रोपोगंडा करने का अवसर मिलता है कि देखो अफगानिस्तान में मुसलमानों ने एससी एसटी ओबीसी के विरोध में भेदभाव किया, पाकिस्तान में एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं जिसे सो कॉल्ड हिंदू कहा जाता है उनके साथ भेदभाव किया, बांग्लादेश में भेदभाव किया, और मुसलमानों ने यह भेदभाव किया इसलिए वो लोग बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ रहे। ये प्रोपोगंडा करने का भी मौका आरएसएस भाजपा को मिलता है, और ये प्रोपोगंडा वो कहां करते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी और कुणबी मराठा और क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों के बीच में करते हैं, और फिर उनके वोटों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा इतिहास है, ये सारी बातें हैं, इसके लिए वो सारी की सारी बातें करते रहते हैं। और इस प्रतिक्रिया में सरकार होने की वजह से उनको और ज्यादा अवसर मिलता है। तो ये सारा काम वो कर रहे हैं, इस बात को हम लोगों को सही तरीके से जानने की और सही तरीके से समझने की जरूरत है। ये जो कानून है, ये कानून विरोधी पार्टी के लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, जो लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो पार्टियां भी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, वो लोग भी इनडायरेक्टली हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से विरोधी पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझदारी है, हिंदू के नाम पर तुम फायदा ले लो और प्रतिक्रिया में मुसलमानों के वोट हम लेकर हम मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और तुम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर इस्तेमाल करो, राज अगर आता है तुम्हारा तो ब्राह्मणों का ही राज रहेगा, अगर हमारा राज आता है तो भी ब्राह्मणों का ही राज रहेगा, नियंत्रण राज्य सत्ता पर हमारा रहना चाहिए, इसके लिए ये सारा खेला खेला जाता है। ये षड्यंत्र हमारे लोगों को समझना जरूरी है, हमारे लोगों को ये षड्यंत्र समझ में नहीं आता, और वो लोग मुस्लिम विरोधी भावनाओं के आवेग में प्रभाव में आकर मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं, और जो मुस्लिम विरोधी काम करने वाली पार्टी है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं अरे तो ब्राह्मणों की पार्टी है, अन्यथा ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं ला सकता तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बना सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए ये प्रतिक्रिया निर्माण करने का एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा और क्षत्रिय और वैश्य लोगों पर प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू के नाम पर इसका इस्तेमाल करते हैं और राज्य सत्ता पर अपना पकड़ और वर्चस्व निर्माण करते हैं, ऐसा खेला ये लोग खेल रहे हैं।
इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग जल्दी ही प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि ये जो कानून है, ये जो प्रचार किया जा रहा है विरोधी पार्टी की तरफ से कि ये कानून मुसलमान विरोधी है, वास्तव में ये कानून मुसलमान विरोधी नहीं है। ये कानून एससी एसटी ओबीसी वैश्य और क्षत्रिय वर्ण के लोगों के विरोध में है, उनका इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ कानून है। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया कानून है, उनके विरोध में है, इन लोगों के विरोध में है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो ये बात, अगर ये कानून मुस्लिम विरोधी होता तो फिर पाकिस्तान के लोगों ने इसका समर्थन क्यों किया होता? पाकिस्तान के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है, ये दावपेच को समझना जरूरी है। ये दावपेच साधारण लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए जबरदस्ती से एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने का, क्षत्रिय और वैश्य को हिंदू बनाने का, जबरदस्ती प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का, क्योंकि ये कोई समझा बुझा कर तो हिंदू बना नहीं रहे, प्रचार करके तो हिंदू नहीं बना रहे हैं कि हमारा ब्राह्मण धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है, मानव धर्म है, ऐसा कहकर समझाने का काम तो कर नहीं रही है। ये मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हमारा, हम लोगों को हिंदू बनाकर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे सावधान होने की जरूरत है। इसलिए ये मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी क्षत्रिय और वैश्य लोगों के विरोध का कानून है। इस मुद्दे को आधार बनाकर जल्दी ही हम सारे देशभर में एक बड़ा कार्यक्रम, देशव्यापी कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे, जल्दी ही करेंगे, इसकी योजना जल्दी ही घोषित करेंगे। धन्यवाद।